नमस्कार, आप देख रहे हैं दासुकम जी। यहाँ पेश है 15 जनवरी रविवार, राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरें। आज हो चुके हिंदू पंचांग की माघ माह और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अब तक क्यों नहीं मिले महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन, राहुल गांधी से युवा नेताओं की क्या हुई बात। प्रदेश की महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन बांटने की योजना पर 2022 में पूरे साल खूब हल्ला रहा है, लेकिन नए साल में इस पर अचानक ब्रेक लग गए। फिलहाल योजना पर टेम्परेरी तौर पर ब्रेक है। सरकार के रणनीतिकार अफसर समाधान ढूंढने में जुटे हुए हैं। योजना पर ब्रेक के अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। चाइना से सेमीकंडक्टर सप्लाई में कमी से स्मार्टफोन सप्लाई में देरी को कारण बताया गया है, लेकिन वजह कुछ और बताई जा रही है। कुछ जानकारों का कहना है कि स्मार्टफोन कंपनियों से सप्लाई की टेंडर को लेकर भी बात पटरी पर नहीं आती दिखाई दे रही है। अब कारण जो कुछ भी हो, लेकिन मुफ्त सरकारी स्मार्टफोन के इंतजार में बैठी हजारों महिलाओं का इंतजार लंबा जरूर हो गया है। सरकार में प्रदेश के मुखिया से लेकर अफसर तक इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि स्मार्टफोन मिलेगा या फिर नहीं। स्मार्टफोन की जगह अब प्राथमिकता महंगाई कम करने के लिए किट बांटने पर है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर से बढ़ेगी हवाई सेवा, अभी 18 शहरों में कनेक्टिविटी। जयपुर एयरपोर्ट पर इन दिनों पर्यटन सीजन चल रहा है और हवाई सेवाओं का संचालन बढ़ा हुआ है। पर्यटन सीजन के चलते जयपुर एयरपोर्ट से रोजाना औसतन 15,000 यात्री यात्राएं कर रहे हैं। एयरपोर्ट से रोजाना औसतन 60 फ्लाइट संचालित हो रही है। अब इसमें और भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, 3 नई फ्लाइटें शुरू होंगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है, आसमान में पतंगों की अटखेलियां और जमी रंग रंगीला राजस्थान। पर्यटन विभाग की ओर से मकर संक्रांति के अवसर पर जलमहल की पाल पर क्राइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसमें आसमान में अटखेलियां करती पतंगों और जलमहल की पाल पर थिरकते कलाकारों ने शहरवासियों सहित विदेशी सैलानियों का भी मन मोह लिया है। ये कार्यक्रम राजस्थान की राजधानी जयपुर जिले में रखा गया है। वही राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 10 डिग्री गिरा तापमान, रेगिस्तान में बर्फ जमी, 12 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। राजस्थान में 7 दिन बाद एक बार फिर ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अचानक 10 डिग्री तापमान गिरा है। हालात ये हैं कि सीजन में पहली बार रेगिस्तान के थोरों पर बर्फ जमी है। वहीं प्रदेश के 3 शहरों में तापमान माइनस में गया है। इधर बीकानेर में तापमान 1 डिग्री तक पहुँचने के कारण इस सीजन में पहली बार वहाँ बर्फ जम गई है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अब 20 जनवरी तक लोगों को कड़ाके की सर्दी का सितम झेलना पड़ेगा। इससे पहले आपको बता दें कि दोपहर बाद से पूरे उत्तर पूर्वी राजस्थान में शीतलहर का दौर शुरू हो गया है। हालांकि मौसम विभाग का क्या कहना है, मौसम विभाग जयपुर के निदेशक राधेश्याम ने बताया कि हिल स्टेशन माउंट आबू में अभी 19 जनवरी तक सर्दी से फिलहाल कोई राहत नहीं मिलेगी। राजस्थान सर्दी का तेज असर रहेगा। मौसम विभाग ने 15 से 17 जनवरी तक 12 जिलों में तेज शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें दौसा, धौलपुर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, करौली, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर और श्रीगंगानगर जिले शामिल हैं। इसके अलावा पाली, जोधपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, कोटा, जयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, भीलवाड़ा और अजमेर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आज से नहीं होंगे ट्रांसफर। राजस्थान में आज यानी 15 जनवरी से आगामी विधानसभा सत्र चलने तक सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के कोई ट्रांसफर नहीं होंगे, इस पर बैन रहेगा। जानकारियों के मुताबिक 23 जनवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को देखते हुए पिछले दिनों प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से ट्रांसफर पर बैन के आदेश जारी किए गए थे। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आगामी विधानसभा सत्र के बाद इस बैन को हटाया जा सकता है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर राजस्थान वासियों के लिए, राजस्थान में कोरोना की वैक्सीन आने में अभी 1 सप्ताह का समय और लग सकता है। पिछले महीने दिसंबर में कोविशील्ड और कॉर्बोवैक्स की डोज खत्म होने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लेकर 10 लाख डोज उपलब्ध करवाने की मांग की थी। पिछले दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की एक बैठक में भी वैक्सीन उपलब्ध करवाने का जिक्र राज्य के अधिकारियों ने किया था। अब संभावना है कि 22 जनवरी तक राज्य को वैक्सीन की खेप मिल सकती है। दरअसल पिछले 20 दिनों में राज्य में कोविशील्ड और कॉर्बोवैक्स की डोज खत्म हो गई है। इस कारण कोविशील्ड की बूस्टर या दूसरी डोज लगवाने वालों को वैक्सीन सेंटर से निराश लौटना पड़ रहा है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गांवों के बाद अब शहरों में भी होंगे ओलंपिक। गांवों के बाद अब शहरों में भी ओलंपिक खेल होंगे। राज्य सरकार गांव में राजीव गांधी खेल ओलंपिक को मिले रिस्पॉन्स को लेकर उत्साहित नजर आ रही है। इसी को देखते हुए 26 जनवरी से इसकी शुरुआत भी की जाएगी। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक की शुरुआत गणतंत्र दिवस के मौके पर होगी। इसमें 8 प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं रखी गई है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, तिल और गुड़ के व्यंजन की मिठास हुई मांगी, बिक्री पर पड़ा असर।
सर्द मौसम में तिल और गुड़ का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है। तिल और गुड़ को धार्मिक दृष्टि से भी शुभ माना गया है। मकर संक्रांति पर लोग तिल और गुड़ से बने व्यंजनों का दान करते हैं। यही वजह है कि तिल, गुड़ और ड्राई फ्रूट से बने व्यंजनों की सर्दी के मौसम में काफी डिमांड रहती है। खासकर लोहड़ी और मकर संक्रांति पर इनकी बिक्री अधिक होती है, लेकिन इस बार कम हुई है। वृद्धि में कमी नजर आई है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, ऊंटों के करतब और डांस देख पर्यटक हुए रोमांचित। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव राजस्थान के बीकानेर में चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के दूसरे दिन शनिवार को राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें विदेशी आपको बता दें कि ऊंटों की कला को देखकर काफी उत्साहित नजर आए हैं। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में घूम घूम कर फिर एक बार अशोक गहलोत को अपनी ताकत दिखाएंगे सचिन पायलट। कांग्रेस भी हुई सतर्क। राजस्थान विधानसभा चुनाव से आज कुछ ही दिन पहले वरिष्ठ नेता सचिन पायलट कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जमीन पर उतर रहे हैं। पायलट पूरे प्रदेश में सभाएं करने की तैयारी कर रहे हैं। इसकी शुरुआत अगले सप्ताह मारवाड़ और शेखावटी में किसान सम्मेलन से होगी। इन सम्मेलनों में प्रदेश की सियासत भी गर्मा सकती है। मुख्यमंत्री गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद किसी से सिपा नहीं हुआ है। ऐसे में किसान सम्मेलनों को पायलट खेमे की अपनी ताकत दिखाने के दौर पर भी देखा जा रहा है। बजट तैयारियों में व्यस्त होने की वजह से संभवत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन किसान सम्मेलनों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे और इधर पायलट बैंड बजा देंगे। पायलट 16 से 19 जनवरी के बीच नागौर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और पाली में सभाएं कर रहे हैं। पायलट गुट का ये साफ तौर पर कहना है कि पायलट मजबूत होंगे। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है, राजधानी जयपुर में मेट्रो के फेरे बढ़ाए, अब रात्रि 11:40 तक चलेगी। राजस्थान में मकर संक्रांति के त्यौहार को देखते हुए जयपुर मेट्रो के फेरे बढ़ा दिए गए हैं। मेट्रो 14 और 15 जनवरी तक रात्रि 11:40 तक चलेगी। दोनों छोर बड़ी चौपड़ से मानसरोवर तक जाएगी। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने से मनाही, धारा 144 लागू। प्रदेश में आपको बता दें कि मकर संक्रांति के दिन पतंगबाजी पर रोक लग गई है। ये फैसला चाइनीज मांझे से पशु पक्षियों और आमजन को बचाने के लिए लिया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ऐसा ही फैसला राजस्थान के कोटा में भी लिया गया था। वहां भी चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। प्रशासन के मुताबिक पतंगबाजी पर सुबह 6 से 8 बजे तक, शाम 5 से 7 बजे तक बैन लगाया गया है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, देश दुनिया में कोरोना का खतरा। चीन में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही भारत, जापान और अमेरिका जैसे देशों में भी नई लहर का खतरा मंडराने लगा है। इसी बीच चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी हटाने के बाद पहली बार कोरोना से हुई मौतों का आधिकारिक आंकड़ा जारी कर दिया है। चीन के हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 8 दिसंबर से 12 जनवरी तक 60,000 लोगों की मौतें हुई है। मरने वाले ज्यादातर लोगों की उम्र 65 साल से ज्यादा थी। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है, जयपुर में 21 अगस्त से होगी G20 की बैठकें। राजधानी जयपुर में 21 से 25 अगस्त तक G20 की वाणिज्य और निवेश मंत्री समूह की बैठक होने जा रही है। G20 की वाणिज्य और निवेश मंत्री समूह की बैठकों में 32 देशों के उद्योग मंत्री और उद्योगपति जुटेंगे। इसमें G20 के 21 सदस्य देश और 11 आमंत्रित देशों के वाणिज्य मंत्री आएंगे। इन बैठकों की तैयारी के सिलसिले में शनिवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने CM अशोक गहलोत से सीधी मुलाकात की है। इसी दौरान गोयल ने CM और CS सहित वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक कर G20 की बैठकों की तैयारियों पर चर्चा की है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, नए साल का पहला सावा 15 जनवरी यानी आज से शुरू। मकर संक्रांति के साथ ही आज खत्म हुआ मलमास, आज से गूंजेगी सहनैया। नए साल का पहला सावा आज 15 जनवरी से शुरू हो गया है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8 10 बड़ी खबरें।